रैप क्या बहुत ज्यादा सेंट्रिक ऑडियंस है कि भाई जो राइम्स रेफरेंस जो फ्लोस समझेंगे उनको बहुत ज्यादा मजा आएगा, ये वाला सीन है। बट शायरी क्या, तुम किसी भी एज ग्रुप में डाल लो, फ्रॉम यंग टू ओल्ड टू आवर फादर एज, सबको कैटर करेगा शायरी चीज। एंड अब म्यूजिकल में उसको डाला गया है तो जो म्यूजिकल लिसनर्स के पास भी आएंगे वो भी बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे। एंड ऐसा टॉपिक हार्ट ब्रेक है। हेलो सब गैंग, क्या हाल चाल, कैसे हो तुम लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड स्पेस, दिस साइड मेरा। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। एंड हम आज फिर आ चुके हैं एक नया अंडरग्राउंड अंडररेटेड आर्टिस्ट को सुनने। आर्टिस्ट का नाम है अभी नरूला एंड गाने का नाम है गम आए हैं। गाने को आए हुए 2 या 3 दिन हुआ है शायद। एंड जैसे मैं देख सकता हूँ लिखा हुआ है न्यू म्यूजिकल पोएट्री 2024। एंड एज में बहुत ही ज्यादा हाइप्ड अप मोमेंट था, बहुत सारे गाने आए हैं और अभी 2-3 दिनों बाद फिर से भौकाल मचने वाली है। तो इन बिटवीन जो गैप मिला है, हम लोग सोचे क्यों ना थोड़ा अंडरग्राउंड आर्टिस्ट चेकआउट कर लेते हैं ताकि हमारे चैनल में कॉन्टेंटों का बैलेंस रहे। या फैक्ट्स फैक्ट्स। एंड जैसे गाने का नाम है गम आए हैं तो हमें ये पता चलता है कि थोड़ा सा सैड सैड जॉनर में। एंड जैसे न्यू म्यूजिकल पोएट्री भी लिखा हुआ है तो सम पोएटिक शिट शायर शायरी वो भी सुनने को मिल सकती है। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भाई म्यूजिक वीडियो के साथ आया है तो वो भी देखने वाली बात है, वो चेक करेंगे। एंड ज्यादा बातें नहीं करते हैं, सुन लेते गाना उसके बाद बात करते हैं। माधव शाह ओके। दुख जितने भी देती है तू सहते वो हम आए हैं, लोगों की दुआएं हैं संग जितने भी आए वो कम आए हैं। दुख जितने भी देती है तू सहते वो हम आए हैं, लोगों की दुआएं हैं संग जितने भी आए वो कम आए हैं। आज मेरे हिस्से में जो गम आए किसी की तो दुआ लगी होगी जो इतने कम आए। ऐसे गैरों की बातों में ना आना साहेब, ऐसे गैरों की बातों में ना आना साहेब। सोचो कितनी बदनसीब होगी वो जिसके हिस्से में ना हम आए। दीवान भाई लिखाई तो है। एंड विद वोकल टेक्सचर वोकल टोन जैसे वो डिलीवरी कर रहा है, एक फील दे रहा है जो उसने लिखा है, उसका इमोशंस भी अपने वोकल्स के थ्रू पोर्ट्रे भी कर रहा है उसी सही तरीके से। मतलब तो जब तुम्हें शायरी आंख बंद करके भी वाइब फील, मतलब वीडियो ना देख रहे हो तब भी तुम्हें वो क्या बोलो वो मुशायरे वाला फील आएगा, तुम बैठे हो एंड ऐसे शायरी सुन रहे हो। या 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 एंड वो भी कितनी बदकिस्मत होगी ना जिसके नसीब में हम नहीं आए हैं। भाई पीछे करो भाई। आज मेरे हिस्से में जो गम आए किसी की तो दुआ लगी होगी जो इतने कम आए। ऐसे गैरों की बातों में ना आना साहेब, ऐसे गैरों की बातों में ना आना साहेब। सोचो कितनी बदनसीब होगी वो जिसके हिस्से में ना हम आए। दीवाना था जो मर गया कुछ तो ऐसा वो कर गया, दीवाना था जो मर गया कुछ तो ऐसा वो कर गया। पुराने किस्सों को कर खत्म आए हैं आज मेरे हिस्से में जो गम आए हैं, किसी की तो दुआ लगी होगी जो इतने कम आए हैं, किसी की तो दुआ लगी होगी जो इतने कम आए हैं। दुख जितने भी देती है तू सहते वो हम आए हैं, संग जितने भी आए वो कम आए हैं। दुख जितने भी देती है तू सहते वो हम आए हैं, गम आए हैं लोगों की दुआएं हैं संग जितने भी आए वो कम आए हैं। मेरे जाने के बाद याद तो करती होगी वो,
जैसे मैंने किया था उसको, वैसे प्यार तो करती होगी वो मेरी माँ। रात के थॉट्स एंड जो प्यार किया है, जिसका दिल टूटा है, वो ये फील या उसको ये सवाल जरूर आएगा भाई कि मैं जैसा प्यार किया है कि वो भी मुझसे वो प्यार किया होगा। एंड मुझे जितना याद आता है उसको भी उतना ही याद आता होगा। एंड इट्स वेरी जेन्युइन क्वेश्चन है, तुम खुद से पूछते हो या तुम खुद से पूछते हो और खुद को अगर वैसे अच्छे मोमेंट जैसे वीडियो में दिखाए जा रहे हैं कि दे हैड अ अच्छा मोमेंट लवली एंड लाइवली केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री, वो मोमेंट्स, वो पल उन्होंने जिया है, तो खुद से सवाल और ज्यादा छुपेंगे ना बिछड़ने के बाद, तो ये खुद से सवाल जरूर आएगा कि भाई थोड़ा मुझे जितना था उसको थोड़ा सा तो था। वो वाला सीन है, पीछे करो। लोगों की दुआएं हैं संग, जितने भी आए वो कमाए हैं, मेरे जाने के बाद याद तो करती होगी वो जैसे मैंने किया था उसको, वैसे प्यार तो करती होगी वो मेरी माँ को, उसने माँ बुलाया था मेरी माँ को, उसने माँ बुलाया था, उस माँ को तो प्यार करती होगी वो। सब झूठ निकला उसका, हर बात हर कस्मे हर वादे, सब झूठ निकला उसका, हर बात हर कस्मे हर वादे, कितना नादान था मैं जान ना पाया उसके यार, जब देखा उसको किसी और की बाहों में, जब देखा उसको किसी और की बाहों में, चुपचाप दिल में लिए जख्म और आंखों को लिए नम आए हैं, आज मेरे हिस्से में जो गम आए हैं, किसी की तो दुआ लगी होगी जो इतने कम आए हैं, किसी की तो दुआ लगी होगी जो इतने कम आए हैं। वो फील करे उनका क्या पास्ट अगर ऐसा कुछ हुआ है, या फिर वो जो रिलेट करेंगे वो बहुत ज्यादा इस चीज से रिलेट करेंगे भाई। बहुत ऐसे ऐसे लाइन्स है कि मेरी माँ को उसने तो माँ बुलाया था, उसे तो प्यार करती होगी। एंड भाई इतना कुछ होने के बाद भी कि इतना बेवफा निकली, मैं ही नहीं समझ पाया उसे, मैं उसके प्यार में था, फिर भी वो लास्ट में यही बोल रहा है कि हिस्से में गम आए हैं, वही जितने आया वो भी कम आए हैं, मतलब इतना सब कुछ से गुजरने के बाद भी ये कम लग रहा है, या कम लग नहीं रहा है, ये एक्सेप्ट ऐसे कर रहा है उसे कि चलो कम आए हैं, जो चीज मैंने जिया है उसको भी मैंने ग्रेटफुल एक्सेप्टेंस से रखा है, अब जो मेरे साथ हो भी रहा है उसे भी चलो कम आया, किसी की दुआ होगी। डैम ये होता है शायरी भाई, ये होता है शायर का प्रस्पेक्टिव लिखने को चीजों को, तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ा होगा बट जैसे वो प्रेजेंट कर रहा है तुम्हें भी कहीं अगर ये बातें हिट करेंगे, अगर फील करेंगे तो तुम भी बोलोगे, तुम भी ऐसे गुनगुनाओगे, दोस्तों के ऐसे महफिल में बैठोगे तो ये चीज बोलोगे। हाँ मतलब वो ब्रेकअप होने के बाद या बिछड़ जाने के बाद एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कोई एक पोएटिक सेल्फ निकल के आता है। एंड सबसे बड़ी बात है कि तुम वो दारू लेके, अभी दारू लेके दोस्तों के साथ बैठने का कॉन्टेक्स्ट देना बहुत डार्क हो जाएगा, बट या तब लाइक ऐसे बातचीत ही होती है लाइक दोस्तों में, दैट्स वेरी रियलिस्टिक। अपने दिल को आंखों में नम लेके आए भाई, भाई लाइंस है भाई, कुछ लाइंस मैं तो बोल रही हूं, मतलब लिखाई है, हां कुछ लाइंस है, उसके बाद जैसी वो शायरी करने का जो पार्ट डिलीवर हो जाता है उसके बाद हुक आता है, हुक मतलब कि गम आए हैं, फीमेल वोकल्स भी है उसमें एंड उसके बाद म्यूजिक भी है, शायद ड्रॉप भी होता है, इंटरेस्टिंग थोड़ा सा लेयर्स में या एंड कुछ लोगों को थोड़ा सा रिपीटेटिव लग सकती है, बट मुझे बहुत बेहतरीन लगा है क्योंकि शायरी के सीन में ये है, ये रिपीटेटिव तुम नहीं, थोड़ा सा मतलब म्यूजिक के साथ एकदम शायरी वाला, मैंने ये बहुत यूनिक या कुछ अलग है, कुछ एंड दो तीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है हुक को, तो आई लाइक दैट। गम आए हैं, गम आए हैं, गम आए हैं।
खींचना। ओके अच्छा भाई, मुझे वीडियो भी काफी अच्छा लगा, अमेजिंग। जैसे उन्होंने अच्छा। जो मोमेंट्स क्रिएट करने वाला वो सीन दिखाया, थोड़ा सा फ्लैशबैक में दिखा रहे हैं कि दे आर हैविंग गुड टाइम्स एंड ऑल, फिर मतलब पूरा कैमरा फ्रेम चेंज, गुड मोमेंट्स, तो फिर से फ्रेम चेंज होकर प्रेजेंट मोमेंट में आता है, एंड प्रेजेंट मोमेंट में वो अपना बाल खींच रहा है, एंड ही इज क्राइंग, वो एंजाइटी पैनिक डिप्रेस्ड एंड खुद से लड़ रहा है, तो वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल है जो इस फेस से गुजर रहा है, वंस इन अ वाइल गुजरे हैं। या सबके लाइफ में वो टाइम आता है, रियल मोमेंट को उठाया गया है या सबके लिए ये चीज है भाई, सबके लिए। एंड एक्टिंग भी बहुत प्यारा किया गया है, जैसे वो हाथ कांप रहा है, दिख रहा है, ये सब भाई बहुत ही रियल है, मैं लिटरली पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूं। वो शिवर करने वाला चीज ना, तुम चाहो तो उसे रोकने का बट तुम रोक नहीं पाओगे, एंड तुम मतलब इफ यू एवर थिंक कि मतलब रोना पब्लिक में रोना एम्बैरेसिंग है, ट्राई टू मतलब कंट्रोल योर हाथ पैर कांपना इन पब्लिक, वो इतना मतलब हद से ज्यादा लिटरली भाई, वो बहुत ही मतलब रियल एक क्या बोलूं एलिमेंट को उठाया गया है लाइक फॉर द वीडियो। कुछ अलग सुना आज हमने, एंड भाई मजा आया, ऐसे कुछ अलग चीजें ट्राई करनी चाहिए, सबसे बेहतर गाने के साथ शायरी, ये मैंने पर्सनली कभी चेकआउट नहीं किया था, गाने में शायरी हम लोगों ने सुना है, अंजुम का बोल लो, जानी का बोल लो, बहुत सारे दूसरे आर्टिस्टों का, बट गाने के बीच में थोड़ा सा शिफ्ट करके शायरी बोलना, दैट्स समथिंग लाइक, एंड अगर तुम इंग्लिश में से बोलोगे तो दैट्स पोएट्री, जैसे लिखा गया है न्यू म्यूजिकल पोएट्री, तो ही मेंशन्ड कि उसे करना क्या है, विजन बहुत क्लियर है माइंड में, मेरे को ये ऑडियंस को देना है समथिंग न्यू टू ऑफर, फैक्ट्स एंड वेरी रिलेटेबल, जो कि मेजर ऑडियंस तक पहुंचने वाली चीज है, ये ऐसा नहीं जैसे रैप क्या बहुत ज्यादा सेंट्रिक ऑडियंस है, कि भाई जो राइम्स रेफरेंस जो फ्लोस समझेंगे उनको बहुत ज्यादा मजा आएगा, ये वाला सीन है। बट शायरी क्या, तुम किसी भी एज ग्रुप में डाल लो, फ्रॉम यंग टू ओल्ड टू आवर फादर एजेस, सबको कैटर करेगा शायरी चीज, एंड अब म्यूजिकल में उसको डाला गया है, तो जो म्यूजिकल लिसनर्स के पास भी आएंगे वो भी बहुत ज्यादा रिलेट करेंगे, एंड ऐसा टॉपिक है, टॉपिक हार्ट ब्रेक है, हर एक बंदे के लाइफ में, हर एक बंदी के लाइफ में होता है, हर एक बंदा बंदी इस फेस से गुजरेगा, बंदा बंदी एक जीवन में एक बार तो इस गली से घुमा ही है, एंड जो इस गली से घुमा है वो इस चीज को फील रिलेट एंड उसे मजा आया, लुट गया, या 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 कॉन्सेप्ट मुझे बहुत बेहतरीन लगा, अच्छा लगा, समथिंग न्यू, इट्स नॉट लाइक कि जो सभी कर रहे हैं वही कर रहे हैं, इट्स लाइक समथिंग न्यू, ये फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रोडक्शन भी टॉप नॉच है भाई, मुझे वीडियो भी फ्रॉम द वीडियो टू द म्यूजिक सब सही है, काम देख के लग रहा है भाई आर्टिस्टिक, वो बोलते हैं ना कि कुछ कमी नहीं छोड़ा, या कि मेरा अभी ये शुरुआत है, बट शुरुआत से ही मीन सबसे अलग वाला सीन, तो ये मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आती है भाई, तो लेट्स गो, तुम लोग चेक करो, तुम लोग बताओ कैसा लगा तुम्हें ये गाना सुन के, एंड अपना ओपिनियन ड्रॉप करो, ओपिनियन ड्रॉप करो, आर्टिस्ट को सुनो, स्पॉटिफाई का लिंक, इंस्टाग्राम हैंडल, यूट्यूब लिंक सारा होगा डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर यू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एंड फॉलो द आर्टिस्ट, जाके उनके कमेंट्स में थोड़ा सा प्यार दिखा, एंड बने रहो अगले वीडियो तो